आप सुन रही हैं booksinvoice.com। प्रस्तुत है कहानी नीम के आंसू और लेखिका हैं सविता पाठक। पूरा गांव भन्ना रहा है। दिन के 11 बज गए हैं। सूरज टिन की तरह तपकर झुलस रहा है। पूरे गांव में एक खट्टी सी महक भरी हुई है। बब्बा को खाट पर से उतारा जा चुका है। 90 साल के बब्बा इस साल 3 बार खाट से उतारे जा चुके थे। सूखकर एकदम गठरी हो गए। बब्बा में ना मालूम जीने की कौन सी ताप बची थी कि गंगा जल की 2 बूंद पड़ी नहीं कि आंखें खोल देते थे। और इसके साथ ही चाची का बड़बड़ाना शुरू हो जाता, इनकर पेट ना है, मड़ा रहा है, जब तक कुल ना लील ली है तब तक ना भरी। चाची भी क्या करती, घर की माली हालत घर की ही तरह गिर चुकी थी। किसी तरह ढांप तोप कर घर का गुजारा चल रहा था। कमाने वाला कोई नहीं और खाने वाले ढेरों मुंह। बबनौटी का चलन भी ऐसा था कि कोई औरत खेत में जाकर काम नहीं कर सकती थी। ऊपर से खेत का काम चाची को आता भी नहीं था। मुंह अंधेरे किसी का गेहूं साफ करके, किसी की दाल दल के चाची कुछ अनाज बटोर लाती थी। लेकिन पिछले 3 दिन से घर का गुजारा निछान आलू पर हो रहा था। बब्बा उर्फ जग बेटा ने सारी उम्र खेत बेचकर घर की शान शौकत बनाए रखी। मेहनत की ना तो उनको आदत थी और ना ही मजबूरी। पुरानी जमींदारी की जमीन अभी भी उनका पेट पालने के लिए काफी थी। खेत में जाना और काम करना उनको मंजूर नहीं था। और अधिया यानी बटाई पर खेती लग्गी से घास काटने जैसा था। खैर, एक एक कर खेत दुकान सब पराए हो गए। और जब तक बब्बा को समझ आई वो शरीर और मन दोनों से टूट चुके थे। 4 बेटियां और 1 बेटा। वो बेटा भी बंबई की भीड़ में हमेशा के लिए खो गया और पीछे छोड़ गया गर्भवती पत्नी यानी चाची। कैसे होगा इंतजाम, कौन करेगा क्रियाकर्म, गांव भर में यही चर्चा थी। कानों कान सबको बब्बा के मरने की खबर मिल चुकी थी। अपना अपना काम निपटा कर चाय नाश्ता करके ही घर से निकलना ठीक है, लगभग सबने ये तय कर लिया था। वैसे भी सबको अंदाज है कि इतनी जल्दी मिट्टी उठवाने का उस घर में किसी में दम नहीं, लेकिन जाना तो पड़ेगा, आखिर चहकारी जरूरी है। गाँव भर में लोग एक दूसरे के यहाँ बच्चे को भेज कर पता कर रहे थे कि बब्बा के यहाँ कौन कौन पहुँचा। सबके मन में एक ही डर समाया था कि कहीं कोई हाथ गोड़ जोड़ कर उधारी न मांग ले। बब्बा के घर की सबसे छोटी बेटी घर घर जाकर सबसे उम्मीद भरे स्वर में उधारी की याचना कर रही थी। गांव भर को सूद पर उधार देने में पारंगत ठाकुर मुसाफिर सिंह को ये कर्ज देने में कोई रुचि नहीं थी। हंसी ठिठोली में भी दया क्षमा की बात का एक ही जवाब था, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। बात बात पर अपना एटीएम कार्ड थमा देने वाले जीप और बलेरो मालिक भगवान शंकर मिश्रा आज घर से ही नहीं निकले और कहला भेजा कि उन्होंने गुरु मंत्र लिया है और मरनी करनी में नहीं जा सकते। और अधिक सुनने के लिए लॉग इन करें www.booksinvoice.com।